होते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं विलन। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। दोस्तों 2018 में रिलीज हुई फिल्म KGF ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था और हमें यकीन है कि आज तक आपने भी KGF चैप्टर 1 तो जरूर देखी होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको KGF चैप्टर 2 के बारे में ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं। आपको KGF फिल्म पसंद तो बहुत आई होगी, लेकिन क्या आपको इसका फुल फॉर्म पता है? KGF का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। इसी के साथ इस फिल्म के सेकंड सीजन को लेकर आए दिन बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। जिसने 2018 में रिलीज हुई KGF चैप्टर 1 देखी होगी उसको तभी से इसके सेकंड चैप्टर का बेसब्री से इंतजार रहा होगा। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए अब आपका इंतजार थोड़ा कम होने वाला है। आपको बता दें कि इस फिल्म में आपको संजय दत्त नए किरदार में नजर आएंगे। संजय दत्त इस फिल्म में अधीरा के बहुत ही खूंखार विलनस रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस फिल्म में रवीना टंडन और श्रीनिधि समेत कई और बड़े बड़े कलाकार भी दिखाई देने वाले हैं। KGF चैप्टर 1 में कमाल के विजुअल इफेक्ट्स, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी और एक्शन सीन्स, यश का एंग्री यंग मैन वाला अवतार और एक बहुत ही दमदार कहानी के साथ स्क्रीन प्ले और बेहतरीन डायरेक्शन के बल पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आई थी। वहीं अब इसके सेकंड पार्ट से इससे भी कई ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग का काफी हिस्सा शूट हो चुका है और आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग आंध्र प्रदेश में की गई है। कारोबार के मामले में इस फिल्म ने ऐसा धमाल मचाया था कि यश की ये फिल्म KGF कर्नाटक में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। 50 से 80 करोड़ की लागत में बनी KGF चैप्टर 1 ने देश दुनिया में 250 करोड़ रुपए की कमाई की थी और जब से KGF चैप्टर 2 में संजय दत्त का खूंखार अवतार लोगों के सामने आया है, लोग इस फिल्म का इंतजार करते करते अब बेसब्र होते जा रहे हैं। जितना शानदार रोल इस फिल्म में यश का होने वाला है उतना ही शानदार रोल इस फिल्म में विलेन के रोल में संजय दत्त का होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस फिल्म में रवीना टंडन भी एक बहुत ही अहम किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म में संजय दत्त विलेन यानी कि अधीरा के रोल में है। KGF चैप्टर 2 को और भी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है जो न सिर्फ दमदार स्टोरी के साथ स्टंट्स और VFX बल्कि एक्टिंग के मामले में भी दर्शकों के लिए बहुत अनोखी होने वाली है। आपको बता दें कि KGF चैप्टर 2 का बजट 150 करोड़ रुपए तक का है। यश की KGF चैप्टर 2 को कन्नड़ के साथ ही हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में रिलीज करने की तैयारियां हो रही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंदी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट के जिम्मे आ गए हैं, जिसने KGF चैप्टर 1 को भी हिंदी में रिलीज कराने का जिम्मा उठाया था। KGF चैप्टर 2 के साथ लोगों की उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि इसके डायरेक्टर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वहीं इसके साथ साथ इस फिल्म में और भी नए कैरेक्टर्स जुड़ने के साथ ही इस फिल्म के सारे एक्टर्स अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं इस फिल्म को बहुत ही बड़े पैमाने पर हिट कराने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप भी KGF चैप्टर 2 को देखने के लिए उतना ही एक्साइटेड हैं जितना हम हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी ये
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।